हेलो स्टूडेंट, टुडे वी सी द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू लैडर डायग्राम फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन. ओके, सो सी द फर्स्ट न्यूमेरिकल. ड्रॉ लैडर डायग्राम फॉर गिवन बुलियन एक्सप्रेशन. ऑलरेडी एक्सप्रेशन विल बी गिवन, दैट इज दिस इज द एक्सप्रेशन. ऑन दैट एक्सप्रेशन वी हैव टू ड्रॉ ladder diagram. Okay, in previous lecture already we see the how to draw ladder diagram of all the Boolean expressions. Okay, so first of all we see the first part, that is I1 dot I2. Okay, I1 dot I2 means जो भी अपना क्या है बुलियन या फिर लैडर है वो किस में रह गए. डॉट आई मीन्स इट इज़ इन सीरीज. ओके, सो I1 और I2 किस में रहेंगे, सीरीज में रहेंगे. उसके बाद में देखो क्या है, प्लस I3. अभी ये प्लस है मीन्स I3 जो है वो इन इसको क्या रहेगा, पैरेलल में रहेगा. सो देखो यहाँ पे I3 किस में कनेक्टेड किया है, पैरेलल में. ओके, उसके बाद में देखो क्या है, कनेक्टेड I4 प्लस I4 है, मीन्स प्लस है मीन्स फिर से उसको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा आगे. सो ये वाला पोर्शन ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया है. ओके, अभी ये पोर्शन को I4 क्या है, पैरेलल है, प्लस मीन्स पैरेलल होगा. ओके, सो देखो I4 भी पैरेलली कनेक्टेड किया है. उसके बाद में देखो प्लस I5 डॉट I6. अभी डॉट एम इज I5 और I6 ये तो सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे, बट इधर क्या है, प्लस है, इसलिए ये पूरा जो एक्सप्रेशन है उसको ये पैरेलल में रहेगा. ओके, सो सी यहाँ तक के अपना एक्सप्रेशन ड्रॉ हो चुका है. ओके, यहाँ तक के ये वाला पोर्शन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है. ओके, उसके बाद में जो है आपको ये जो एक्सप्रेशन है I5 डॉट I6 मीन्स I5 डॉट I6 तो सीरीज में रहेगा और ये एक्सप्रेशन के साथ वो किस में रहेगा, पैरेलली कनेक्टेड रहेगा. सो आपको इसे ड्रॉ करना है. बाद में लास्ट में देखो आउटपुट भी दिया है, क्या है, Q1. ये साइड में क्या है, आउटपुट है Q1. सो आपको पता है आउटपुट हम लोग कैसे लिखते हैं, दिस इज द आउटपुट. जो भी नाम दिया है वो रिटर्न कर देना, यहाँ पे Q1 है तो सो Q1 लिख दिया. और ये जो है आपको दोनों साइड में लाइंस आपको ड्रॉ रखनी है. ओके, सो इन दिस वे वी हैव टू ड्रॉ द लैडर डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन. ओके, देन वी सी द नेक्स्ट. ओके, दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम दैट वी सी, दैट इज draw the ladder diagram for the following expression, boolean expression. अभी यहाँ पे 4 expressions दिए हैं, इसके ऊपर से आपको एक एक ladder diagram जो है draw करनी है. So first देखो क्या है, y1 is equals to a plus b plus c d bar e. okay, so first diagram आप कैसे draw करोगे. So see, firstly आपको ये lines फिर से ड्रॉ करनी है. ओके, उसके बाद में क्या है, ए प्लस बी. ए प्लस बी मीन्स प्लस मीन्स पैरेलल, मीन्स ए और बी कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है, प्लस है मीन्स. ओके, उसके बाद में आपको देखना है फिर से क्या है, प्लस है मीन्स आगे जो भी एक्सप्रेशन रहेगा वो भी किस में रहेगा, पैरेलल में रहेगा. ओके, सो क्या एक्सप्रेशन है, सी डी बार ई. ओके, अभी आपको ये तो पता चल रहा है कि सी डॉट डी बार डॉट ई है. सो ये दोनों तीनों जो भी है वो कैसे कनेक्टेड रहेंगे, सीरीज में कनेक्टेड रहेंगे. सो यहाँ पे क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है. सिर्फ डी बार को यहाँ पे देखो कैसे उन्होंने ड्रॉ किया, मैंने बताया था कि बार अगर है तो आपको ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है. सो यहाँ पे देखो डी बार को ऐसे ड्रॉ करना है. ओके, सो यहाँ पे आउटपुट भी दिया है, क्या है आउटपुट, दैट इज Y1. सो आउटपुट भी आपको ये ड्रॉ करना है, देखो Y1 जो यहाँ पे ड्रॉ किया है.
ओके, और ये लाइन आपको ज्वाइन करनी है इस तरह। आपको एक एक एक्सप्रेशन क्या करना है, ड्रॉ करना है। सो सेकंड एक्सप्रेशन देखेंगे। अभी सेकंड एक्सप्रेशन में देखो क्या है, एफ एक्स और जी। अभी वाई टू इज इक्वल टू एफ एक्स और जी, ऑलरेडी हम लोगों ने एक्स और जो है बुलियन एक्सप्रेशन देखा है, उसको कैसे ड्रॉ किया है वो भी देखा है। सो उसको हम कैसे लिखते हैं, एफ एक्स और जी को लिखते हैं एफ प्लस जी बार, और सेकंड ब्रैकेट में क्या रहता है, दैट इज एफ बार प्लस सॉरी डॉट जी। यहाँ पे क्या रहेगा, डॉट रहेगा, और यहाँ पे क्या रहता है, प्लस रहता है। ओके, सो ये आपका किसका एक्सप्रेशन रहेगा, एफ एक्सप्रेशन फॉर एफ एक्स और जी, दैट इज एफ डॉट जी बार प्लस एफ बार डॉट जी। ओके, अभी इसको आपको क्या करना है, ड्रॉ द लैडर डायग्राम ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो सी, ये जो फर्स्ट टर्म है आपकी क्या है, एफ डॉट जी बार, डॉट एम इज ये दोनों किसमें कनेक्टेड होंगे, इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज, और जी बार है इसलिए ये आपको ये सिंबल ड्रॉ करना है जो मैंने अभी प्रीवियस में बताया। ओके, बाद में क्या है, प्लस है। ओके, सो प्लस है तो आगे की ब्रांच कनेक्टेड इट इज इन पैरेलल। सो क्या है आगे की ब्रांच, और आगे की टर्म जो भी है एफ बार डॉट जी, सो एफ बार डॉट जी किस में कनेक्टेड रहेगा, इट इज़ इन सीरीज बिकॉज यहाँ पे क्या है, डॉट है। ओके, सो सीरीज में कनेक्टेड रहेगा, और ये जो ऊपर वाली टर्म है अपनी, ये वाली टर्म को किस में कनेक्टेड रहेगा, इट इज़ इन पैरेलल बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्लस है। सो ये दोनों जो है किस कैसे कनेक्टेड रहेंगे, इट इज़ कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके, बाद में यहाँ पे आउटपुट भी दिया है, देखो क्या है, y2, सो y2 भी ड्रॉ कर दिया। इस तरह आपको सेकंड एक्सप्रेशन भी आपका ड्रॉ हो चुका है। अभी थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, थर्ड क्या है, y3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। ये सिंपल है, क्या है, y1 प्लस y2 मीन्स ये किस में है, प्लस में है। सो दोनों भी y1 और y2 कैसे कनेक्टेड रहेंगे, प्लस मीन्स इट इज़ इन पैरेलल। ओके, और पैरेलली कनेक्टेड रहेंगे। सो यहाँ पे वो एक्सप्रेशन हो गया, आउटपुट क्या है, y3, सो ये ड्रॉ हो गया। बाद में लास्ट एक्सप्रेशन देखेंगे क्या है, ये भी सिंपल है, y4 इज इक्वल टू y1 डॉट y2। अभी डॉट है मीन्स इट इज़ इन कनेक्टेड इट इन सीरीज, और आउटपुट भी हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, आउटपुट क्या है, y4। ओके, सो इन दिस वे आपको ये लैडर डायग्राम्स ड्रॉ करनी है ऑन द बेसिस ऑफ बुलियन इक्वेशंस। ओके, देन वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अभी ये उल्टा है, मीन्स डायग्राम के ऊपर से आपको क्या करना है, या फिर एक्सप्रेशन के ऊपर से क्या ड्रॉ करना है, लैडर डायग्राम करनी है, लॉजिक डायग्राम के बाद में फिर से लैडर डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो सी, ड्रॉ द लैडर डायग्राम फॉर द बुलियन एक्सप्रेशन। आप इसको डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर पहले आप गेट विद द हेल्प ऑफ जो आप लोगों ने लॉजिक डायग्राम्स देखी थी, लॉजिक सिंबल्स देखे थे, उसको पहले ड्रॉ करके उसके बाद में आप लैडर डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो सी फर्स्ट द आउटपुट y इज ऑन व्हेन आइदर इनपुट a और इनपुट b और बोथ एंड आइदर इनपुट c और इनपुट d आर बोथ आर ऑन। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, लॉजिक डायग्राम ऑफ एक्सप्रेशन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे देखो क्या है, a प्लस बी मीन्स प्लस है, मीन्स यहाँ पे आपको और गेट यूज़ करना है। सो ये देखो यहाँ पे और गेट यूज़ किया है, a प्लस बी को कनेक्शन और गेट का दिया है। बाद में c प्लस डी, ये भी और गेट है, सो यहाँ पे और गेट लिया है। ये दोनों किससे कनेक्टेड है, डॉट से है, मीन्स इट इज़ एंड गेट। ओके, सो इसको हम लोगों ने एंड गेट से कनेक्टेड कर दिया है। सो लास्टली एक्सप्रेशन आ गया आपका a प्लस बी डॉट सी प्लस डी। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन ड्रॉ द लैडर डायग्राम।
अभी लैडर डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, अभी देखा हम लोगों ने प्रीवियस, इसमें ए प्लस बी, प्लस मीन्स इट इज़ कनेक्टेड, इट इज़ इन पैरेलल। सो देखो इनपुट ए और इनपुट बी कनेक्टेड, इट इज़ इन पैरेलल। उसके बाद में सी प्लस डी भी कनेक्टेड, इट इज़ इन पैरेलल। अभी ये दोनों किस में कनेक्टेड है, डॉट है, मीन्स इट इज़ इन सीरीज। सो देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्ट किए हैं और आउटपुट भी दे दिया इन्होंने वाई, ओके, जो भी एक्सप्रेशन में गिवन है। सो इस तरह आपको ये लैडर डायग्राम ड्रॉ करनी है, ओके। देन वी सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम वी फाइंड आउट द लैडर डायग्राम, ओके। ड्रॉ द लैडर डायग्राम फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट। अभी ये लॉजिक सर्किट दिया है, इसके ऊपर से आपको एक लैडर डायग्राम जो है ड्रॉ करनी है। सो सी, अभी ये लैडर डायग्राम आपको कैसे ड्रॉ करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस पे से इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ओके। सो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, ये आपको ऑलरेडी डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट में सिखाया है। सो देखो क्या है, फर्स्ट क्या है, अभी ये किसका सिंबल है, नॉट का, ओके। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बार, ओके। अभी ये किसका सिंबल है, और का। सो और को लिखते समय अपन कैसे लिखते हैं, बी प्लस सी प्लस डी, ओके, ये हो गया। बाद में ये क्या है आपका, एंड, एंड मीन्स अपना डॉट रहता है। सो ये हो गया ई डॉट एफ, ओके। ये तीनों एक्सप्रेशंस हो गए हैं। अभी ये तीनों जो है किसको कनेक्टेड है, दैट इज कनेक्टेड, इट इज इन एंड गेट। सो यहाँ पे क्या रहेगा, डॉट रहेगा तीनों इसमें, ओके। सो दिस इज अवर क्यू, ओके। ये हो गया अभी इक्वेशन, इक्वेशन समझा आपको कैसे निकाला मैंने, ओके। उसके बाद में अभी ये आपका इक्वेशन अगर ड्रॉ हो चुका है, फाइंड आउट हो चुका है, तो ये इक्वेशन के ऊपर से आपको लैडर डायग्राम ड्रॉ करनी है। सो इजी है। अभी क्या है, ए बार है, मैंने बोला है ए बार, बार रहा तो जो भी अपना क्या है लैडर है उसको क्या ये सिंबल से डिनोट करना है। सो ये हो गया आपका ए बार, ओके। उसके बाद में देखो बी प्लस सी प्लस डी, मीन्स ये तीनों जो है कैसे कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्टेड इट इज़ इन पैरेलल बिकॉज प्लस साइन है, ओके। उसके बाद में ई डॉट एफ, अभी ई डॉट एफ, डॉट एफ मीन्स इट इज़ कनेक्टेड, इट इज़ इन सीरीज, ओके। और ये तीनों जो सेंटेंस है किससे कनेक्टेड है, सॉरी, ये तीनों सेंटेंस जो है, सॉरी एक्सप्रेशंस है, वो किससे कनेक्टेड है, डॉट से। देखो सो डॉट से कनेक्टेड है। सो ये तीनों जो है आपके, ये फर्स्ट एक्सप्रेशन का हो गया, यहाँ पे ये बार चाहिए, ओके। ये सेकेंड एक्सप्रेशंस का हो गया और ये थर्ड एक्सप्रेशन का हो गया। तो ये किससे कनेक्टेड होंगे, इट इज़ इन सीरीज़ में। सो देखो सीरीज़ में कनेक्टेड है। उसके बाद में ये आपका आ गया क्यू आउटपुट, ओके। इस तरह आपको क्या लैडर डायग्राम ड्रॉ करनी है। अगर क्या आया, डायग्राम के ऊपर से लैडर डायग्राम निकालनी है तो वो भी आना चाहिए, और उसके बाद में इक्वेशंस के ऊपर से डायग्राम निकालनी है, लैडर डायग्राम, वो भी ये जो सेशन है अपना, लेक्चर है, उसमें कवर हो चुका है, ओके। सो थैंक यू।